तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से, ये ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था। चलो, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम पी एन क्यू आर वीट स्टोन ब्रिज है, हम लोग के पास ब्रिज है और ये 10 ओम 30 ओम और 90 ओम रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है। चलो यहाँ बना लेते हैं प्यारे बच्चों ब्रिज। तो ये यहाँ पर मैंने एक ब्रिज बना लिया, ये एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है और ये एक अलग से रेजिस्टेंस, ये सब इसमें कनेक्टेड है और ये यहाँ से वीट स्टोन ब्रिज बना लिए और यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट है और उस बैटरी का इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है ये। तो रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो पी की वैल्यू जो है पी क्यू आर एस, ये 10 ओम है समझना, ये 30 ओम है और ये भी 30 ओम है आर की वैल्यू और ये 90 ओम है ऐसे दिया हुआ है। ईएमएफ 7 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस ये 5 ओम है एंड कहता है गैल्वेनोमीटर 50, ये जो गैल्वेनोमीटर यूज हुआ है इसका भी रेजिस्टेंस यहाँ पे काउंट कर लो, दैट इज ओ भी 50 ओम है। तो ये तो कहता है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, हम सबको पता है आसान सवाल है ये, लॉजिक लगाते हैं। मतलब ये जो बैटरी है प्यारे बच्चों, ये जो बैटरी, वो बैटरी कितनी करंट यहाँ से भेज देगी, क्लियर है? तो अगर कितनी करंट यहाँ से भेजेगी, सिंपल से ये पूरा अगर इक्विवेलेंट आर के है, इन सबका मैंने जोड़ लिया है, सबको मैंने आर मान लिया, तो करंट आई की वैल्यू क्या होगी, भी अपन आर। भी क्या है, पहले ही हमें पता है, बोलो 7 वोल्ट, और आर क्या है, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो सिंपली अगर इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता हो तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब जब हम ब्रिज का प्रॉब्लम करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है, अगर ब्रिज बैलेंस है तो हमारा काम थोड़ा सस्ता हो जाता है, आसान हो जाता है, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और वो जेई मेंस और एडवांस लेवल में आता है अनबैलेंस ब्रिज, ठीक है? तो चलो पहले चेक कर देते हैं ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। तो पी और क्यू का रेशियो, पी बाई क्यू का रेशियो आर अपन एस के इक्वल होता है तो ब्रिज बैलेंस होता है। तो P की वैल्यू कितनी है 10, Q की वैल्यू कितना है 30, R की वैल्यू कितना है 30 और S की वैल्यू कितना है 90, तो ये आ जाएगा 1/3 और इधर आ जाएगा 1/3। वाह वेरी गुड, तो ये तो बहुत सुंदर सी बात आ गई, ब्रिज बैलेंस है तो हमारा काम आसान हो गया। अनबैलेंस होता है तो किरचॉफ वोल्टेज लगाते, KVL लगाते, KCL लगाते, ये सारी चीज़ें लगाते। चलो, तो ब्रिज बैलेंस होता है तो हम सबको पता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो जब ये कंडीशन होल्ड होता है तो पॉइंट ए का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी का इक्वल होता है प्यारे बच्चों। ये तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब इसमें कोई करंट ही नहीं आती है, जीरो, मतलब ये पूरा बेकार है, इसका रहना और नहीं रहना यूजलेस है। तो ये जो 5 ये ब्रांच खत्म हो गया, ये यूजलेस हो गया। तो अब ये दो, ये नेट रेजिस्टेंस, ये 10 का और ये 30 का 40 हो गया और ये 30 का और 90 का 120 हो गया, ये सीरीज में आ गए और इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ गया, उसके साथ ये भी कनेक्टेड है 5 ओम सीरीज में। तो फाइनली ये सर्किट मुझे ऐसे दिखेगा, एक बार मैं आपके लिए इधर बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। तो ये सर्किट फाइनली मुझे ऐसे दिखेगा, 30 और 10 40, तो ये फाइनली इधर आ जाएगा, ये 40 और इधर आ जाएगा 120 और इसके साथ पहले से ही प्लस माइनस 5 ओम पहले से लगा हुआ है 5 ओम, तो 120 और ये 40, ये ऐसा कुछ मुझे सर्किट दिखेगा, ठीक है? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा प्यारे बच्चों, इसको जोड़ दूंगा, इसको और इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस बनेगा इस सर्किट का, नेट रेजिस्टेंस पहले इनको जोड़ लो 5 और प्लस इनका कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल में है 30 40 90 120, तो पैरेलल में है तो 120 और मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 40, तो फाइनली आ जाएगा 5 और प्लस 120 मल्टीप्लाइड बाई 40
और डिवाइडेड बाय 160, तो ये जीरो ने जीरो कट गया और ये फोर टाइम्स कट गया और ये चार टाइम 30 दैट इज 35 ओम, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस टोटल 35 आ गया। तो बैटरी कितनी करंट भेजेगी वो मैं बड़े आराम से कैलकुलेट कर लूँगा। तो करंट I इज इक्वल टू 7/35, तो 1/5, तो 1/5 मतलब 0.2 एम्पीयर इज द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज डी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की